स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं अपने ही यूट्यूब चैनल एबी एजुकेशन में। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे क्लास नाइन्थ का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है, जो कि आपको दिख रहा होगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, और अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो देखिए, हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को, ठीक है। क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं, क्या क्वेश्चन दिया हुआ क्वेश्चंस कि द रेडियाई ऑफ टू सिलेंडर्स आर इन द रेशियो 2:3 दिया हुआ है। मींस दो सिलेंडर का जो रेडियस दिया हुआ है वो रेशियो फॉर्म में दिया हुआ 2:3 है, एंड दियर हाइट आर इन द रेशियो 5:3, ठीक है। इसका जो हाइट दिया हुआ है दो सिलेंडर का रेशियो में दिया हुआ है, जो कि 5:3 में दिया हुआ। तो कैलकुलेट द रेशियो ऑफ दियर वॉल्यूम एंड द रेशियो ऑफ दियर कर्व सरफेस। मींस तो मतलब कि दो को सिलेंडर है तो दो सिलेंडर का रेशियो फॉर्म में रेडियस दिया हुआ, हाइट दिया हुआ, और इसी का वॉल्यूम रेशियो में गेन करना है और उसका सरफेस एरिया भी रेशियो में गेन करना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये दो चीज गेन करने से पहले हमें दो चीज याद होना बहुत जरूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला मैं बता देता हूं, पाई आर स्क्वायर एच होता है, और सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है 2πRh होता है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, नहीं अब हम इसे सोल्व करके दिखाते हैं, ठीक है, काफी आसान। सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमें गिवन अगर लिख देते हो तो आधा क्वेश्चन का सोल्यूशन क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए इसे सोल्व करते हैं, आपको बहुत ही आसान तरीका से मैं बताऊंगा, देखिएगा। हमें क्या करना है, लिखना सिंपल सा लिख सकते हैं ना कि रेशियो, यहां पर लिख सकते हैं रेशियो ये देख सकते हो, रेशियो अगर दिया हो तो इस तरह से कर सकते हो कि रेशियो इन रेडियाई ऑफ, देखिए ध्यान से, रेडियाई ऑफ टू सिलेंडर, देखिए यहां पर दिया हो टू सिलेंडर का, देखिए दो सिलेंडर का कितना रेशियो दिया हुआ रेडिया। मिस कह सकते हैं कि दो सिलेंडर का जो रेडियस है रेशियो फॉर्म में दिया हो, लिखा हूं कि रेशियो इन द रेडियस रेडियाई ऑफ टू सिलेंडर कितना दिया हुआ, 2:3 दिया हुआ। एंड उसके बाद लिख सकते हो एंड, यहां पर सिंपल सा कर सकते हो एंड रेशियो ऑफ यहां पर लिख सकते हो दियर हाइट इक्वल क्या दिया हुआ, देखिए इसका हाइट कितना दिया हुआ रेशियो में 5:3 में दिया हुआ। यहां से आपको बहुत ही आसान से मैं बता रहा हूं, कुछ नहीं किया हूं, सबसे पहले मैं रेशियो को जो दिया हुआ रेडियस को उसको दो सिलेंडर को लिख दिया हूं 2:3 होता है, उसके बाद रेशियो ऑफ दियर हाइट इज 5:3 दिया हुआ, ठीक है। अब हम इसे क्या करेंगे, सबसे पहले मैं वॉल्यूम गेन करूंगा। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका था, अब इसे मैं लिख कर दिखाता हूं आपको, ठीक है। यहां पर लिखेंगे वॉल्यूम, ठीक है, यहां पर लिख सकते हो वॉल्यूम, यहां पर डायरेक्ट लिख देंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का। अगर रेशियो फॉर्म में दिया हुआ है ना, तो रेशियो फॉर्म में अगर देखा जा सिंपल से इसका वॉल्यूम, यानी कि यहां पर ऐसे लिख दो रेशियो ऑफ दियर वॉल्यूम, ठीक है, इसका वॉल्यूम मैं निकाल रहा हूं, सिंपल सा आई थिंक समझ में आया होगा। रेशियो ऑफ दियर वॉल्यूम, इसका जो वॉल्यूम है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर लिख देते हैं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है ना, यहां पर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर्स। तो सिलेंडर्स का मैं बात बोल रहा हूं, तो सिंपल सा देखिएगा क्या होगा इसका रेशियो, यानी कि कहने का था इसका वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है ना, पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि मैं ये फर्स्ट सिलेंडर के लिए लिया हूं, समझ में आना चाहिए, पहला सिलेंडर के लिए मैं लिया हूं, दूसरा सिलेंडर का भी तो इसका रेशियो में यही होगा ना। आप रेशियो से क्या समझते हो, रेशियो मतलब कि 2:3, ठीक है ना, 2:3 ये रेशियो फॉर्म में है, यानी कह सकते हो अगर इस तरह से अगर रेशियो फॉर्म में दिया तो 2:3 फ्रैक्शन फॉर्म में इस तरह से लिखोगे, कोई दिक्कत नहीं, आप स्टैंडर्ड क्लासेस को समझते हो। तो देखिए यहां पर सबसे पहले हमें क्या दिया, मीन्स आपको पाई तो रहने दो, पाई को कुछ हमें नहीं करना, हमें तो गिवन क्या क्या दिया वो सबसे पहले देखना होगा। गिवन हमारा दिया हुआ रेडियस दिया हुआ है पहला सिलेंडर का, ठीक है, मतलब दो सिलेंडर का रेडियस हमें रेडियस दे चुका है जो कि रेशियो फॉर्म में दिया हुआ, और दो सिलेंडर का जो हाइट भी दे चुका, तो हमें यहां पर पुट कर देंगे इसी वैल्यूज का, तो वैल्यू क्या होगा, पाई को रहने दो, कोई 22/7 नहीं पुट करना है, याद रखना उतना हमें लेंदी नहीं करना सोल्यूशन को। आर का वैल्यू रखेंगे 2, ठीक है, यानी कि 2 का स्क्वायर, देखिए तो आर स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर हो गया, और उसके बाद हाइट रहने, तो हाइट का क्या होता है, हाइट का आपको समझ सकते हो कि हाइट यहां पर कितना दिया हुआ 5, यानी कि 5 यहां पर 5 हो जाएगा, क्लियर, पाई रहने दो। अगर इतना भी नहीं करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सिंपल सा समझ सकते हो इसको, और भी अगर आपको न समझ में आ रहा हो तो मैं क्या करता हूं, इसमें से
सिंपल सा ऐसे रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। पाई इंटू आर का वैल्यू मैं रख देता हूं 2 का स्क्वायर इंटू हाइट क्या हो गया 5, यानी कि 5 ये रखेंगे। पहला सिलेंडर का यही हो गया हाइट। अब दूसरे सिलेंडर का जो रेडियस, पहला सिलेंडर का जो हाइट दिया हुआ, ये दिया हुआ ठीक है ना, आपको देख सकते हो। तो ये आपको पाई रहने दो, और ये देखिए दूसरा सिलेंडर का जो रेडियस क्या दिया हुआ, ये आपको ये दिया हुआ, क्या दिया हुआ यहाँ पर 3 दिया हुआ, तो 3 रखेंगे, 3 का स्क्वायर। समझिएगा क्या मैं बोल रहा हूं, ये रेडियस दिया हुआ, ये हाइट दिया हुआ दो सिलेंडर का, और ये दो सिलेंडर का रेडियस दिया हुआ, तो रेडियस क्या रखे, पहला सिलेंडर का 2 रखे, और देखिएगा ध्यान से, पहला सिलेंडर का रेडियस 2 रखे, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और हाइट क्या रखे पहला सिलेंडर का 5 रखे। अब दूसरा सिलेंडर का रेडियस क्या होगा 3 होगा, और दूसरा सिलेंडर का हाइट क्या होगा 3 हो जाएगा, यहां पर देख सकते हो यहां पर 3 हो जाएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। देखिएगा ध्यान से कैसे करेंगे, सो सिंपल, पाई रहने दो, यानी कि 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा इंटू 5, उसके बाद पाई रहने दो, उसके बाद देखिए 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा इंटू 3 हो जाएगा। अब समझिएगा पाई से पाई कैंसिल, अब जो बचा इसको लिख देंगे, क्या बचा 4 इंटू 5 बचा, उसके बाद 9 इंटू 3 बचा, इट मीन दैट 20/9 27 4 5 जा 20 और 9 3 जा 27, इट मीन दैट आपका जो रेशियो क्या आया बनकर, यहां से रेशियो सिंपल सा बनकर आया दोस्तों 20:27, ये आपका क्या निकला वॉल्यूम निकल कर आया, ये पूरी तरह से क्या आया वॉल्यूम, ये आपको आई थिंक ये समझ में आया होगा। अब देखिए उसके बाद मैं सेकेंड का इसे सोल्व करता हूँ, काफी आसान है, अब यहाँ पर तो जगह नहीं है लेकिन मैं आपको सोल्व करके यहीं पर दिखा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए देखिए उसके बाद हम लोग क्या गेन करेंगे, अब हमें तो पहला निकल गया कि वॉल्यूम हमें आसानी से गेन कर पाए, अब हम लोग सेकेंड में गेन करेंगे रेशियो ऑफ दियर कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया का रेशियो कैसे होगा। सो सिंपल क्या करना होगा, अगेन चलेंगे मैं अगेन, देखिए ये सब बात बहुत ध्यान रखेगा, जब आप सीबीएसई में हो तो सीबीएसई का स्टूडेंट को ये रूल्स होता है कि हर चीज को मेंटेन करके चलो, कि और का साइन और इक्वल का साइन कहां पर दिलाते, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चलिए हम उसके बाद सरफेस एरिया निकालेंगे, यानी कि लिखेंगे रेशियो ऑफ दियर सरफेस एरिया, तो इसका एरिया, तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है वो याद रखेगा, सरफेस एरिया का फॉर्मूला 2πRh होता है, ठीक है 2πRh, ये आपको हो गया। तो देखिएगा ध्यान से कहिए कि आप दो ऐसे क्यों लिखे दो, क्योंकि हमें पहला सिलेंडर के लिए है, आप चाहो तो इसे R1 भी मान सकते हो और R2 भी मान सकते हो, लेकिन हमें कोई जरूरी नहीं है R1 और R2 मानने का, डायरेक्ट आप रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, ठीक है ना। तो देखिएगा यहां पर मैं वैल्यू रख देता हूं, सरफेस एरिया मीन पहला मीन सरफेस एरिया सिलेंडर का फॉर्मूला 2πRh होता है, तो मैं पहला सिलेंडर का रखा हूं और ये दूसरा सिलेंडर का है, दोनों तो रेशियो में, तो रेशियो में ऐसा ही लिखाएगा आपको, डायरेक्ट मैं पुट कर देता हूं वैल्यू, क्या दिया हुआ 2 रहने दो 22 पाई रहने दो, कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन अगर लिख देते हो तब पर भी कोई दिक्कत नहीं होगा, 22/7 लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको लेंदी नहीं करना चाहता हूं, ऐसे ही पाई ही रहने दो। आर का वैल्यू क्या दिया हुआ दोस्तों, आर का वैल्यू आपको दिया हुआ 2, और एच देख सकते हो H1 यहां पर 5 दिया हुआ, ठीक है, यहां 2 रहने दो, पाई के वैल्यू भी रहने दो, उसके बाद देखिएगा तो यहाँ हमारा क्या दिया हुआ, आर कितना दिया हुआ, आर हमारा दूसरा सिलेंडर के लिए 3 दिया हुआ, और क्या दिया हुआ देखिएगा ध्यान से, एच हमारा दूसरा सिलेंडर के लिए क्या दिया हुआ, यहाँ पर देख सकते हो 3 दिया हुआ, ठीक है ना। ये आपको मैं फिर से मैच करा देता हूं, कैसे रखा हूं 2πRh, 2 रहने दिया हूं, पाई का पाई भी रहने दिया हूं, उसके बाद देखिएगा रेडियस यानी कि आर1 क्या दिया हुआ 2 दिया हुआ, और हाइट 1 H1 क्या दिया हुआ 5 दिया हुआ, ठीक है आप मान सकते हो। उसके बाद मैं दूसरे के लिए तो रख रहा हूं, तो 2 रहने दो, पाई भी रहने दो, उसके बाद यहां पर रेडियस क्या हो जाएगा, यहां पर रेडियस 3 हो जाएगा, और उसके बाद क्या कर सकते हो, अब हाइट भी 3 हो जाएगा, ठीक है आपको समझ में आया होगा। देखिए कैसे है, 2 से 2 कैंसिल, ए पाई से पाई ए कैंसिल, और क्या बचा, तो आप देख सकते हो 2×5 बचा, और ये 3×3 बचा, आई थिंक ये समझ में आया होगा, ठीक है आई थिंक ये पूरी तरह से समझ में आया होगा। देखिए क्या करेंगे, 5×2 = 10 और ये 3×3 = 9, यानी कि आंसर हमें क्या प्राप्त हुआ, 10:9 प्राप्त हुआ, अगर आप चाहो तो लिख सकते हो इस तरह से 10:9, आपको यहां से भी आंसर गेन हो गया। तो आई थिंक बहुत ही आसान आपको लगा होगा, और अगर वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है इसी तरह से, अगर आप सबसे पहले इस चैप्टर को बनाने से पहले आपको फार्मूला पूरी तरह से याद होना चाहिए, ठीक है ना, अगर फार्मूला याद करते हो तो हर चीज आसानी से कर पाओगे, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद जय भारत।